के बाहर एक कुआं था। उस कुएं पर जामुन का एक बड़ा पेड़ खड़ा था। गांव वालों का विश्वास था कि उस कुएं पर भूत का बसेरा है, इसलिए शाम ढलने के बाद कोई भी उस कुएं की ओर नहीं जाता था। मोहन की दादी उसे अक्सर समझाती थी कि शाम होने के बाद उस कुएं की तरफ कभी मत जाना, वहां भूत रहता है। मोहन अपनी दादी से पूछता कि आपको कैसे पता कि उस कुएं पर भूत रहता है? तब उसकी दादी उसे यह किस्सा सुनाती थी। कई साल पहले गांव में रतिया नाम का एक लुहार रहता था। वह था तो बड़ा साहसी और हिम्मत वाला, पर उस भूत के आगे उसका क्या बस चलता? आखिर भूत तो भूत होता है, आदमी से कहीं ज्यादा ताकतवर और आदमी का दुश्मन। वह भला आदमी को जान से मारे बिना कहां छोड़ता है? एक दिन रतिया लुहार शाम को अपने दोस्तों के साथ बैठा था। सभी दोस्त कुएं वाले भूत के बारे में बातें कर रहे थे। रतिया लुहार निडर और साहसी था। उसने सबके सामने कह दिया कि वह भूत भूत से नहीं डरता। वह रात को अकेला उस कुएं पर जाने की हिम्मत रखता है। फिर क्या था, सब दोस्त एक साथ बोल उठे, तो लगाओ शर्त। रतिया लुहार ने कहा, मैं शर्त लगाने के लिए तैयार हूं। उसके दोस्त बोले, रतिया तू उस कुएं पर जा और उस पर खड़े जामुन के पेड़ से 10 पत्ते तोड़ ला, हम तुम्हें 1 पत्ते के लिए 1,000 रुपए देंगे। अगर तुम पत्ते लाने में सफल रहे तो पूरे 10,000 रुपए कमा लोगे। अपने दोस्तों से शर्त लगाकर अपने पैरों से चलकर कुएं पर पहुंच तो गया, परंतु वापस नहीं लौटा। सुबह गांव वालों को उसकी लाश मिली। बेचारे को भूत ने मार डाला। यह किस्से को बार बार सुनकर मोहन के मन में डर बैठ गया था। इसी कारण वह कभी भूल कर भी शाम होने पर कुएं की ओर नहीं जाता था। मोहन का पिता प्रताप एक सैनिक था। एक बार वह सेना से छुट्टी लेकर अपने गांव में आया हुआ था। एक शाम को उसने मोहन को बुलाया और कहा, बेटा मोहन, जरा कुएं के पास वाले अपने चाचा के घर जाओ और उनसे थोड़ा मूली का बीज ले आओ। मुझे कल सुबह ही खेत में मूली का बीज बोना है। यह सुनते ही मोहन डर से कांपने लगा। प्रताप ने उससे डर का कारण पूछा तो उसने कुएं के भूत वाला सारा किस्सा उन्हें सुना दिया। प्रताप समझ गया कि बच्चे के मन में भूत का डर बैठ गया है। एक सैनिक भला डर को अपने परिवार में कैसे पनाह दे सकता था? उसने मन ही मन मोहन के दिल में बैठे डर को दूर करने का निश्चय किया। रात के लगभग 12 बजे का समय था। प्रताप ने मोहन को जगाया और बोला, बेटा मोहन, आओ मेरे साथ बाहर घूमने चलें। प्रताप के इस प्रकार के व्यवहार पर परिवार के सभी सदस्य हैरत में पड़ गए। प्रताप के पिता और उसकी माँ ने कहा, बेटा यह भी कोई घूमने का वक्त है? भला आधी रात को कहाँ जाओगे? मोहन बच्चा है, इसे सोने क्यों नहीं देते? प्रताप की पत्नी ने पूछा, आखिर रात को कहाँ घूमने जाएंगे? प्रताप ने दृढ़ता से कहा, गांव के बाहर वाले कुएं पर। यह सुनते ही सबके दिल बैठने लगे। गांव के कुएं पर, वो भी आधी रात को? मोहन की दादी ने कहा, क्या तुम रतिया लुहार के बारे में नहीं जानते जिसे भूत ने मार डाला था? जानता हूँ, पर मैं भूतों को नहीं मानता। उसके मरने का कोई और कारण रहा होगा, प्रताप ने दृढ़ता से जवाब दिया। सबके समझाने पर भी प्रताप ना माना तो मोहन डरते डरते अपने पिता के साथ चल दिया। पिता के हाथ में टॉर्च थी। दोनों गली से बाहर आए और कुएं की ओर चल पड़े। कुछ ही देर में वे कुएं पर जा पहुंचे। प्रताप ने इधर उधर टॉर्च का प्रकाश फेंका और मोहन से बोला,
बताओ कहाँ है भूत? बेटा कोई भूत वूत नहीं होता, केवल मन का भ्रम और डर होता है, भय ही भूत बन जाता है। एकाएक कुएं से कबूतरों के फड़फड़ाने और पानी में कुछ गिरने की आवाजें आईं। मोहन डर कर बोला, पापा भूत कुएं के भीतर है। प्रताप ने कुएं में टॉर्च का प्रकाश करके दिखाया, वहां कुछ नहीं था, बस कबूतर थे, जोर जोर से फड़फड़ाकर उड़ रहे थे। उन्हें देखकर मोहन ने चैन की सांस ली, उसके मन का भय कुछ कम हुआ। अब पिता और पुत्र कुछ देर के लिए कुएं पर बैठ गए। पिता ने पुत्र को समझाया, बेटा व्यक्ति को अपने मन में किसी भी प्रकार का भय नहीं बिठाना चाहिए, भय ही भूत होता है। वह रतिया लुहार भूत से नहीं बल्कि भय से मरा था, देखो हमने भय को नहीं माना। क्या हम मरे? क्या हमें कोई भूत दिखा? नहीं दिखा ना, दिखता भी कैसे, भूत तो होता ही नहीं है, उसे तो मनुष्य अपने भय और अपनी कल्पना से बनाता है। क्या तुम अब भी भूत और उसके भय को मानते हो? मोहन ने निडर होकर उत्तर दिया, नहीं पापा, भय का भूत होता है, मैं किसी भूत से नहीं डरता और ना ही कभी डरूंगा। शाबाश मेरे बहादुर बेटे। उसके बाद पिता और पुत्र दोनों हंसने लगे। उस दिन के बाद अंधेरा होने पर मोहन कहीं भी जाने आने से नहीं डरा। वह निडर सैनिक और मेहनती किसान का सच्चा बेटा बन गया।